और दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार बेहद उम्दा खुशहाल होगा। डियर आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रैक्टिस सेट की जो कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेट करता है और ये पर्यावरण अध्ययन के टॉप 13 क्वेश्चन होंगे डियर, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी परीक्षा हो जिसमें पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं डियर, तो यह वीडियो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरे शिद्दत से जोश उत्साह लगन से देखें, अंत तक देखें वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जितने भी लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें डियर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, क्या हाथी है, शेर है, बाघ है, मोर है? तो जो राष्ट्रीय पशु है डियर वो बाघ है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है उसे हम पैंथर टिग्रिस के नाम से भी जानते हैं, पैंथर टिग्रिस, याद रखिएगा, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सागरी खरपतवार जो महत्वपूर्ण स्रोत है डियर वो है किसका, आयोडीन का। सी ऑप्शन, क्योंकि सागरी खरपतवार में क्या होता है, लवणीय मात्रा होती है यानी कि नमक की मात्रा होती है, और नमक किससे मिलता है तो आप कहेंगे आयोडीन से यानी कि NaCl से, इसलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है डियर इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1973 से हुई थी। डी ऑप्शन एकदम सही है। अब बात आई है प्रोजेक्ट की, टाइगर की, तो बता दें वर्तमान में सबसे ज़्यादा टाइगर अगर किसी प्रदेश में है तो वो मध्य प्रदेश में है। 526 टाइगर वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है 524 टाइगरों के साथ, दूसरे स्थान पर बना हुआ है। 526 मध्य प्रदेश, 524 आपके कर्नाटक में, और तीसरे पायदान पर जो खड़ा है वो राज्य है उत्तराखंड डियर। तो नोट डाउन रखिएगा, टॉप 3 टाइगर स्टेट, पहला है MP, दूसरा कर्नाटक और तीसरा उत्तराखंड डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर में, अंडा, मटर, मछली में, सोयाबीन, चना, मक्का में, या तेज दही मांस में? तो प्रोटीन की जब प्रचुरता की बात आए तो आप नोट कर लीजिएगा, प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन के बाद मूंगफली में पाया जाता है डियर। तो एक ऑप्शन में आपको सोयाबीन लिखा हुआ है, आप उसी को मार दीजिए आँख बंद करके। सोयाबीन, चना, मक्का, प्रोटीन की प्रचुर मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है, और सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को हम लोग सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है सूर्य की दूरी पर, त्रिज्या पर, डेंसिटी पर, या पृष्ठीय तापमान पर? तो जो नक्षत्र का रंग होता है डियर वो पृष्ठीय तापमान पर निर्भर करता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वनों के महत्व का क्या कारण है? ग्रीन गोल्ड, ग्रीन आईलैंड, ग्रीन हाउस, ग्रीन सिल्वर? तो जो वनों के महत्व का कारण है डियर वो है ग्रीन गोल्ड। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु, कवक, मृदा और जल, पशु या पक्षी? तो जो पृथ्वी का अपमार्जक है डियर उसे हम जीवाणु या कवक के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? क्या भारत का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु का? तो जो कथक है डियर वो उत्तर भारत का है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, भारत कथक। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो रबी यानी कि चना दिख रहा है आपको, सीधे मार दीजिए रबी। बी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पोलियो का कारण क्या है? तो पोलियो जो होता है डियर ये एक विषाणु जनित रोग है। बी ऑप्शन एकदम सही है। पोलियो क्या करता है, ये तंत्रिका तंत्र को इफेक्टेड कर देता है, नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है डियर। और जो इसके टीकाकरण की खोज की थी वो जॉन सोल्क ने की थी, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी सोल्क के द्वारा जो है पोलियो का टीका बनाया गया था, और पोलियो के टीकाकरण की शुरुआत 1993 से स्टार्ट हुई थी भारत में, और 1993 से आज तक पोलियो का अभी पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं हो पाया है डियर, और ये पोलियो का टीकाकरण आज भी कार्यरत है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब पर्यावरण दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत हुई थी डियर ये स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की देन है, और जो पहला पर्यावरण दिवस था डियर ये मनाया गया था 1973 में, स्टॉकहोम सम्मेलन की देन है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे का कौन सा भाग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, भाग लेता है? तो जो पौधे की हरी पत्तियां होती हैं डियर, वही प्रकाश संश्लेषण में भाग लेती हैं और अपने पौधे के लिए भोजन का निर्माण करती हैं। तो जो हरी पत्तियां होती हैं यानी कि हरा रंग जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक भूमिका निभाता है। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भिंडी में पाया जाता है फास्फोरस, विटामिन सी या विटामिन ए, उपरोक्त सभी। तो जो विटामिन है डियर, ये ए सी तो पाया ही जाता है भिंडी में, साथ ही साथ फास्फोरस भी पाया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किसका है, यानी कि पूछ रहा है भारत में सबसे ज्यादा किस फल का उत्पादन होता है? क्या नींबू का, अमरूद का, आम का, पपीते का? तो जो भारत में फलों का उत्पादन है डियर, वो आम का सबसे ज्यादा है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है आम की, तो बता दें कि आम का उत्पादन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश ही करता है डियर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर सबसे महंगे आम की बात की जाए तो सबसे जो महंगा आम है उसका नाम नूर जहां है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा, नूर जहां आम, जिसकी कीमत 1200 रुपए एक आम की है डियर। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो पर्यावरण को बचाने के लिए 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई, जो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी, और इसमें जो अग्रणी भूमिका निभाए थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जी। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। अभी हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया है, जिन्हें हम ब्रक्ष मित्र के नाम से भी जानते थे डियर, तो डी ऑप्शन एकदम याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से जैविक घटक कौन सा है? क्या पादप है, मृदा है, वायु है, जल है? तो जैविक का मतलब जिसमें जीवन हो वही जैविक होता है, और अजैविक का मतलब जिसमें जीवन ना हो, तो यहाँ जैविक लिखा है यानी कि जीवन है उसमें, तो वृक्षों में जीवन होता है। पादप बिल्कुल सही है, जैविक घटक पादप होता है ए ऑप्शन में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सा रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? यूरिया, पोटास, फास्फेट, कंपोस्ट। तो रासायनिक उर्वरक कंपोस्ट नहीं है, बल्कि ये गोबर से निर्मित एक जो है कंपोस्ट, जो है कंपोस्ट खाद है डियर, जो कि पशुओं के मल से निर्मित की जाती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, मतलब कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा विद्यमान है? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा विद्यमान है, लगभग 78% पर अकेले नाइट्रोजन का कब्जा है डियर। ऑक्सीजन लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन 0.1% विद्यमान है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है, बड़ा कारण जो है अम्ल वर्षा का है? क्या सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, या हाइड्रोजन परऑक्साइड? तो जो अम्ल वर्षा का बृहद प्रदूषक है डियर, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 जो है ये अम्ल वर्षा का सबसे बड़ा प्रदूषक है। बात आई है अम्ल वर्षा की, तो बता दें अम्ल वर्षा सबसे पहले कहां हुई थी, तो स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में। लेकिन अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा होती कहां है, तो आप मारिएगा नॉर्वे। अगर पूछ ले भारत में सबसे पहले अम्ल वर्षा कहां हुई थी, तो आप याद रखिएगा वित्त नगरी मुंबई में, मुंबई में सबसे पहले भारत में अम्ल वर्षा हुई थी डियर। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। NCTE का उद्देश्य क्या है? पहले बात कर लेते हैं NCTE का। तो NCTE की जो स्थापना हुई थी डियर, वो 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। बता दें इसके जो उद्देश्य हैं वो है विद्यालय में शिक्षा का स्तर बनाए रखना डियर। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो जो वन महोत्सव दिवस है डियर, वो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। जुलाई का प्रथम सप्ताह जो है वो वन महोत्सव दिवस कहलाता है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। जल जनित रोग कौन सा है? अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर? तो जो जल जनित रोग है डियर, ये अतिसार को कहते हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है। अतिसार, इसे हम पेचिस भी कहते हैं। ये एल्टमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होता है डियर, और ये जल जनित रोग कहलाता है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। वायु प्रदूषण का कारण क्या है? कीटनाशक, सीवेज, धुआं या ध्वनि विस्तारक? तो जो वायु प्रदूषण का मेन रीजन है डियर, वो धुआं है। सी ऑप्शन एकदम सही है। धुआं जो है वायु प्रदूषण का एक मेन रीजन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में लिखित में से किससे कुनाइन नामक दवा प्राप्त की जाती है? तो कुनाइन जो है ये मलेरिया की दवा है डियर, और ये सिनकोना नामक प्लांट से प्राप्त की जाती है। तो बी ऑप्शन एकदम सही है। सिनकोना नामक प्लांट से कुनाइन नाम की दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया के उपचार में कार्य करती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 71% जो पृथ्वी का तल है वो किससे ढका है? क्या भूमि से ढका है, हवा से, जल से या कोयला से?
तो 71% जो भूभाग है पृथ्वी का वो जल से घिरा हुआ है, जल से ढका है। जल का जो रासायनिक सूत्र है H2O होता है डियर, और जल का पीएच मान 7 होता है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व में तापमान में वृद्धि या अम्लीय वर्षा? तो विश्व में जो जल संकट का प्रमुख कारण है डियर वो नगरीकरण है। ए ऑप्शन एकदम सही है। नगरीकरण का मतलब ये है कि जब आप एक तरीके से एक तरफ से घर बनाते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो जल है वो जल का संकट उत्पन्न हो जाएगा डियर, तो नगरीकरण इसमें सबसे ज्यादा भूमिका लेती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? मतलब सदाबहार जो हर मौसम में उसमें पत्तियां बनी रहती हैं, ये पूछ रहा है। कौन सा नहीं है? क्या नीम नहीं है, इमली नहीं है, बबूल नहीं है, शहतूत नहीं है? तो शहतूत नहीं है डियर सदाबहार, नोट रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? पिलानी, जयपुर, आगरा, दिल्ली? तो जो भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ था डियर वो पिलानी में हुआ था, और पिलानी कहाँ पड़ता है? तो पिलानी पड़ता है राजस्थान में, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। डेसिबल निम्न में से किसके मापन की इकाई है? क्या गहराई की, ध्वनि की, तापमान की या वायुदाब की? तो डेसिबल जो है ये ध्वनि की इकाई है डियर, बी ऑप्शन एकदम सही है। अगर गहराई की बात करता तो फाइदोमीटर होता है, तापमान आपको पता ही है, टेम्परेचर थर्मामीटर से नापते हैं, वायुदाब ये वैरोमीटर से नापते हैं डियर, तो चारों आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? तो शारदा एक्ट जो आया था ये आया था बाल विवाह निषेध के लिए, ए ऑप्शन एकदम सही है, ये बाल विवाह से संबंधित था शारदा एक्ट। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे? बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, बिल्कुल करेंगे। उनकी उदाहरण अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे डियर। उन्हें सुझाव व संकेत देंगे जिससे वो नया ज्ञान सीख सके, बिल्कुल करेंगे। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे, ये गलत है डियर, हमें उन्हें उत्तर नहीं समझाना है। अगर उत्तर समझा देंगे तो वो रट्टा लगाने की बात हो जाएगी और हमें रटने पर बल नहीं देना, क्योंकि NCF करके सीखने की बात करता है, इसीलिए जो इसका सही ऑप्शन है वो डी एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? परिवार से, विद्यालय से, सामाजिक केंद्र से, धार्मिक से? तो बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले कहाँ रहता है? अपने परिवार में, अपने माता पिता के, अपने आसपास के लोगों से। तो वो सबसे पहले समाजीकरण का पाठ भी कहाँ से सीखेगा? अपनी फैमिली से, परिवार से। परिवार एक अनौपचारिक साधन होता है डियर, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? अभी आपको बता चुका हूं कि सोयाबीन दिखे तो आप आंख बंद करके मार दीजिएगा, प्रोटीन का सबसे बड़ा जो है उत्कृष्ट जो स्रोत है वो सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन होए। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का जो पिरामिड है डियर वो हमेशा सीधा होता है, ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये हरे पौधे जो है ये ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत होते हैं डियर, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। धूम्रपान से होने वाला रोग क्या है? जब आप ज़्यादा सिगरेट का सेवन करेंगे डियर तो कहीं ना कहीं आपको कैंसर का कारण बना देगा, बी ऑप्शन एकदम सही है। क्योंकि कोशिकाएं जब अनियंत्रित होकर इधर उधर भागने लग जाती हैं, कभी वो गुच्छे का निर्माण कर देती हैं डियर, और वही जो है ल्यूकेमिया यानी कि कैंसर का जो है जन्म दे देता है, तो बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है डियर, ए ऑप्शन एकदम सही है। विटामिन की बात सबसे पहले फंक ने की थी डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। और विटामिन ए जो रतौंधी है ए से होती है, और ए का जो रासायनिक सूत्र है वो रेटिनॉल होता है डियर, नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यालय इन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र का अनुपात बताना है। तो प्राथमिक में तो 1:30 है डियर, लेकिन अगर उच्च प्राथमिक की बात पूछे तो 1:40 का है इस समय, 40 शिक्षकों में एक टीचर की नियुक्ति कर रहा है। ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड थे डियर। उम्मीद करता हूं कि आपको, आशा करता हूं कि आपको प्रश्नों अच्छे से समझ में आए होंगे, जो मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से एक एक प्रश्न को बड़े क्लियरिफाई किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर अच्छे लगे हैं प्रश्नों का लेवल तो आप एक बार वीडियो को दमदारी से लाइक और शेयर करें, और चैनल पर जितने भी लोग पहली बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब कर लें डियर। मिलते हैं जल्द ही आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।